स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि मिश्रण पढ़े थे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और विलयन पढ़े थे, और विलयन में विलय, विलायक और विलयन किस प्रकार से होते हैं, क्या प्रकृति होती है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन जैसे हम पानी में चाक घोल दें, हम दूध का जो दूध होता है वो भी अपने आप में कोलाइडल विलयन होता है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि कोलाइडल विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहला गुण आज मैं लिखाता हूं आपको कि कोलाइडल विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, यह विषमांगी प्रकार का मिश्रण है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, विषमांगी का अर्थ मैंने बताया था कि जब विलय के कण विलायक में इस तरह से घुल जाते हैं कि वो उसमें से गुजरने वाले प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करें, अर्थात विलय के कण विलायक के कणों के समान आकार लेकर और एक दूसरे में इस प्रकार से समाहित हो जाते हैं कि उनके कणों में विभेद नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी में विलय के कण और विलाय के कणों में अंतर होता है, विलय के कण शत प्रतिशत रूप से विलय के कणों में अच्छी तरह से समाहित नहीं होते, अर्थात उसमें से गुजरने वाले प्रकाश की किरण का वो प्रकीर्णन कर देते हैं। तो दूसरा जो इसका गुण है वो ये है कि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य रूप से आंखों से दिखाई नहीं देते। और तीसरा गुण, इतने बड़े होते हैं कि इसमें से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को, प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और चौथा और लास्ट गुण है कि इन्हें भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रियाओं से तात्पर्य स्टूडेंट्स यह है कि इसे छानकर या चुनकर इनके कणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये इसका चौथा और आखिरी गुण है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पढ़ा कि कोलाइडल विलयन किस
वर्ण से इसमें गुण होते हैं। तो चौथा हमने पढ़ा था कि इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये इसका चौथा। इस प्रकार हमने स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देखें कोलाइडल विलयन के गुण कौन कौन से वो पढ़े हैं, और अब हम पढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उन पे आधारित, और बाकी आप चैप्टर से चैप्टर को जरूर पढ़ें, चैप्टर को 100% पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, एक उसका मीनिंग समझें, नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल करें, बाकी 100% में हर लाइन का मीनिंग और सारे पार्ट्स को इंक्लूड करते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूं। उन क्वेश्चंस की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट है कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए, इसका मैं आपको अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ, और हमारी बुक में आराम से इसके बारे में एग्जाम्पल भी बताए, और मैंने जो एक्सप्लेन किया उस वीडियो को आप आराम से रिमाइंड करके दोबारा देखें और इनमें विभेद अंतर लिखें समांगी और विषमांगी मिश्रण। आगे देखिए नेक्स्ट है इसका विलयन निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसकी आपको इसके भी गुण जैसे मैंने कोलाइड के गुण बताए वैसे मैंने आपको विलयन के गुण भी बताए थे और वैसे मैंने निलंबन के गुण भी आपको बोर्ड पे लिखवाए थे, उस वीडियो को आराम से रिमाइंड करके देखें और इनमें सारणी बनाएं। एक आप इस प्रकार से टेबल बना लें और उसमें तीन कॉलम ले लिया, एक कॉलम यहाँ पर क्रमांक का ले लिया, एक नंबर है ना, और फिर दो नंबर, तीन ऐसे, चार ऐसे, और यहां पर लिख लिया आपने विलयन और यहां पर निलंबन और यहां पर कोलाइड, ऐसे लिख लिया, और ऐसे टेबल बनाकर सबके अलग अलग गुण आप अच्छी तरह लिख लें, और एक पेज में नहीं आए तो पूरा से अपन पूरा पेज खोलते हैं ना, उस पूरे को पेज में आप इस प्रकार से टेबल बनाकर उस अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन का लिखें। और नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। देखिए NaCl कितना है, तो यहां हमें दिया गया था कि NaCl 36 ग्राम है और जल वो है हमारे पास में 100 ग्राम, यहां पर तापमान दिया हुआ है तो समान ताप पर हमें सांद्रता ज्ञात करनी है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये कोई उस पर तापमान समान रखते हुए सांद्रता ज्ञात करनी 293 केल्विन पर। आइए देखो ये विलय है और ये विलायक है, आप जब दोनों मिलेंगे तो जब विलयन बनेगा तो विलयन में उसका जो भार होगा 136 ग्राम हो जाएगा। सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विलय का भार आयतन या द्रव्यमान, विलय का भार बोल दूं या द्रव्यमान बोल दूं, बटे विलयन का
आपको अच्छी तरह से लिखवाया था। अब विलेय का द्रव्यमान हो गया 36 और ये हो गया 136 × 100। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो उस विलयन की उसी तापमान पर सांद्रता कहलाएगी। एक बार बोर्ड पे चित्र से देख लें, आगे इसको कैलकुलेट करना आपको आता है। स्टूडेंट आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए जरा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। देखो सामान्य रूप से जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो स्टूडेंट शुद्ध नहीं होते, उन्हें शुद्ध करने की विभिन्न विधियां होती है। कुछ रासायनिक विधियां होती है, कुछ भौतिक विधियां होती है। भौतिक विधियां ने कुछ को अपन चुनकर, जैसे गेहूं है उसमें कुछ मिल जाता है, अनाज है उसमें कुछ मिल जाता है, तो हम चुनकर उसे पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कुछ को अपन जैसे मान लो कि चाय बनाते हैं, तो चाय में चाय पत्ती भी होती है, दूध भी होता है, पानी भी होती है, तो अपन उसको छानते हैं, तो छान कर चाय पत्ती है, अदरक जो हमने उसमें इलायची डाला उनको अपन उस जो चाय है उससे अलग कर सकते हैं। तो छानकर या चुनकर इन विधियों से इन्हीं कहते हैं भौतिक विधियां। और रासायनिक विधियां जिसको अपन गर्म करके या फिर आसवन विधि द्वारा प्रभाजी आसवन द्वारा, इस प्रकार की विधियों द्वारा जिन्हें अपन दो या दो से अधिक मिश्रणों को, दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिल जाते हैं उनको अलग करते हैं, वो रासायनिक विधियां कहलाती है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो स्याही या फिर रंग के जो घटक होते हैं और या स्याही है, तो स्याही जल के साथ एक विलयन है और विलयन होने के साथ आप ये देखेंगे कि स्याही जो है इंक है वो विलय है, जल वहां पर विलायक है और दोनों मिलकर विलयन उन्हें बनाया है। तो उस विलयन में से यानी जल में से स्याही को कैसे पृथक करें, इस प्रयोग पर यदि हम चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स आप बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अपनी बुक में आराम से डायग्राम और विधि एक्सप्लेन है, आप उसको देखेंगे। यहां पर हम एक बीकर में पानी लेंगे, और पानी क्या जो यहां सामान्य रूप से हमने पानी ले लिया और इसके नीचे हमने एक बर्नर लगाया है, इसको गर्म करने के लिए, और इसको एक स्टैंड पे हमने रख दिया, यहां प्लेट लगा के स्टैंड पे हमने इसको रख दिया। किसको रख दिया? यहां पर बीकर को रख दिया। इसके ऊपर एक हमने यहां पर स्याही रखने के लिए हमने एक वाच ग्लास रखा। क्या रखा इसके ऊपर? एक वाच ग्लास रखा। देखिए बोर्ड पर आराम से ऐसे इसके ऊपर वाच ग्लास रख दिया। तस्तरी नुमा ही होता है वाच ग्लास, ठीक है। और यहां इस वाच ग्लास के ऊपर हमने यहां पर स्याही रख दी, ठीक है। ये वाच ग्लास है, और ये इंक है, और जब ये गर्म होगी तो ऊपर इधर आपको वाष्प दिखाई देगी। ये बर्नर है। ये सब डायग्राम आप अपनी फेयर नोटबुक में और क्रियाकलाप आपको करने हैं, ध्यान दें आप आराम से। ये जो जितने भी क्रियाकलाप हैं जो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, उन सब के बहुत शानदार सुंदर डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, और प्लस इनका जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, वो भी लिखना है और तैयार करना है। ये इसमें जल आ गया, पानी है। अब हम क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो गर्म होकर ये वाच ग्लास की सहायता से ये स्याही है वो गर्म होगी। गर्म होगी तो स्याही में से भाप वाष्प निकलना स्टार्ट होगी। वाष्प धीरे धीरे निकलेगी तो आप कुछ समय बाद ये देखेंगे
आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि जो पानी था वो स्याही के रंग में जो पानी मिला हुआ था, पानी की जो मात्रा थी वो सारी वाष्प बन के उड़ गई, और जो कलर था स्याही का कलर था वो काली थी, नीली थी, रेड थी, कैसी भी थी, आज कल हर तरह की स्याही आती है, तो जो कलर था वो कलर यहाँ पर बच जाता है। और जब ये भाप बनकर पूरा पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तब हम इसे बंद कर देते हैं गर्म करना, और हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमने यहाँ पर, ये एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया का ही भाग है जिसके द्वारा हमने स्याही को जल से पृथक किया है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दूध से क्रीम को कैसे निकाला जाता है। दूध से क्रीम निकालते हैं, या अपन सामान्य तौर पे घरों में दूध को दही में बना, दही बनाकर फिर उसमें से अपन घी निकालते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं, वो उसका नियम सुन लेना, एक वर्ड में उसका आंसर है, अपकेंद्रण विधि द्वारा। कोई पूछे कि दूध से जो आप घी निकाल, दूध से आप जो क्रीम निकालते हो वो किस विधि से निकालते हो, या किस सिद्धांत पर काम करती है, या फिर आप दही से आप घी निकालते हो वो आप प्रक्रिया करते हो वो किस सिद्धांत पे काम करती है, यदि इस पे आप बात करें तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि दूध से क्रीम का निकालना, दही से घी निकालना, ये सब अपकेंद्रण विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि है? अपकेंद्रण विधि। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि हम एक छोटा सा एग्जांपल, जो घर में मथनी होती है, देखियो कि मथनी द्वारा अपन कई बार दही को घोटते हैं, तो जिसे अपन अपनी भाषा में घोटनी बोलते हैं, जो मथनी बोलते हैं, उस मथनी से क्या होता है कि जब वो सेंटर में रख के हम इसको ऐसे हिलाते हैं तो यहाँ पर इसके घूमने से इसके बीच में जो पात्र में हमने रखा उसके बीच में एक केंद्र बल काम करता है, उसे अपकेंद्रण बल कहते हैं। ऐसे ही जब मिक्सी की गिरारी घूमती है तो वो बीच में जब घूमती है तो उसमें भी अपकेंद्रण बल लगता है। अपकेंद्रण बल लगने से क्या होता है कि जो कोलाइडल विलयन के रूप में क्या होता है कि जो अपना दूध है वो कोलाइडल विलयन है, उसमें जो क्रीम के छोटे छोटे कण है, सूक्ष्म कण है, वो उसमें मिले हुए हैं। जब अपकेंद्रण बल लगता है तो वो कण हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण वो कण एक साथ इकट्ठे होकर धीरे 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 ऊपर आते हैं, और ऊपर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही अपन यदि घी निकालने काम करते हैं, दही को बिलो कर, दही को यदि अपन मथनी द्वारा बिलो कर या फिर मिक्सी द्वारा अपन घी निकालते हैं, तो वहां भी अपकेंद्रण बल द्वारा उस दही में जो घी के जो कण है, क्रीम के जो कण है, मक्खन के जो कण है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपकेंद्रण बल द्वारा हल्के होने के कारण ऊपर उठकर उसकी सतह पर तैरना स्टार्ट कर देते हैं, हम हाथ द्वारा उसे हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम दही से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, क्रीम से भी अपन जो दूध से क्रीम निकालते हैं, इन सब पर एक बल काम, एक क्रिया होती है, उस क्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं, और यहाँ पर एक बल काम करता है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि दूध से क्रीम निकालना, दही से घी निकालना, ये सब क्रियाएं किस का उदाहरण है? अपकेंद्रण बल का उदाहरण है। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अपकेंद्रण बल या फिर ये जो क्रिया विधि है, अपकेंद्रण जो विधि है या अपकेंद्र जो केंद्रीय बल जो लगता है, उसका अनुप्रयोग, उसके उपयोग, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है वो हम पढ़ेंगे। कि सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जांच होती है, जहाँ पर अपन खून और जो मूत्र की जांच होती है, यूरिन की जो टेस्ट होते हैं, उस पर ये अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। दूसरा आपको बताया क्रीम से, सॉरी दूध से क्रीम निकालना, और तीसरा हम दही से भी मक्खन निकालते हैं। इन सब क्रियाओं में, इन सब प्रयोगों में इसका अनुप्रयोग होता है, इन सब विधियों में इसका अनुप्रयोग होता है। किसका? अपकेंद्रण, या अपकेंद्रण तो विधि का नाम है, और इस पर जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। एक स्टूडेंट इसमें काम करता है कि जैसे हम
वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, कपड़े धुलने के बाद उसमें एक ड्रायर आता है, आपने नाम सुना होगा, उसमें कपड़े सुखाते हैं और इतने वो उसमें से पानी इतना निकल जाता है कि वो बिल्कुल सूखने के बराबर हो जाते हैं। यदि उन्हें हवा में उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो वो आराम से सूख कर तैयार हो जाते हैं, पहनने लायक हो जाते हैं। स्टूडेंट ये क्यों होता है कि वहां पर भी ये अपकेंद्रण बल ही काम करता है, उसमें जो कपड़ों में घुमाया जाता है तो जो कपड़े उन कपड़ों से पानी बाहर निकलता है, बाहर निकल पानी पाइप में से बाहर आ जाता है और कपड़े हल्के होकर बीच में रह जाते हैं, यानी वो मक्खन या जो क्रीम के कण है उनकी तरह कपड़े काम करते हैं और जो पानी है वो वहां पर जो विलायक था उसकी तरह काम करता है, तो वो उसी अपकेंद्रण बल द्वारा जल दूर हो जाता है और वो कपड़े हल्के हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनसे नमी बाहर निकल जाती है। तो वॉशिंग मशीन में हम जो कपड़े सुखाते हैं ड्रायर में, वहां पर भी यही बल काम करता है और वो भी अपकेंद्रण विधि द्वारा ही सुखाए जाते हैं। ये तीन अनुप्रयोग मैंने बताए। पहला अनुप्रयोग प्रयोगशाला में रक्त, ब्लड और यूरिन की जांच के लिए, और दूसरा हमने बताया कि दूध से क्रीम निकालने में, और तीसरा वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने में इसका अनुप्रयोग होता है। आगे चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूं। ऐसे दो अघुलनशील द्रवों को अपन पृथक कैसे करें जो घुलते नहीं हो, जैसे जल और तेल, पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते, पर यदि पानी में तेल मिक्स हो गया तो उसको अपन अलग कैसे करें। तो उसको मैं आपको बताता हूं कि उसकी एक क्रिया विधि है। जैसे एक हमारे पास में पृथक्करण कीप आता है, उस पृथक्करण कीप में स्टूडेंट्स यहां पर एक वाल लगा होता है, ठीक है, और यहां पर उसके अब इसको हम स्टैंड पे लगा देते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट जरा देखिए कि जल और तेल का जो मिश्रण है उसको इसमें डालते हैं, भरते हैं और कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो अघुलनशील द्रव होते हैं वे कुछ समय शांत छोड़ने पर अपने घनत्व के अकॉर्डिंग अलग अलग परतों में बंट जाते हैं। जैसे खनिज तेल निकलता है उसमें से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ अलग अलग किए जाते हैं, उसमें प्रभाजी आसवन जो विधि काम में ली जाती है उसमें भी इसी सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है। तो यहां हम तेल और जल के जो मिश्रण है, अघुलनशील दो पदार्थों का, द्रवों का जो मिश्रण है उसको इसमें भरते हैं, कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ऐसा करने से वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। शांत होने से देखिए यहाँ पर दो परत बन जाएगी और दो परतों में तेल है वो पानी की सतह के ऊपर अपनी एक अलग परत बना लेगा, क्योंकि तेल का घनत्व अलग है और पानी का घनत्व अलग है। यहां पर जो स्टूडेंट्स देखेंगे आप कि अलग अलग द्रवों का अलग अलग घनत्व होता है, उस घनत्व के अकॉर्डिंग वो अपनी परत बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास में जो तेल मिला है, तेल कोई सा भी मिट्टी का तेल मिला हो वो ले ले, या सामान्य तेल मिला हो तो वो ले ले। हाँ, मिट्टी का तेल थोड़ा हल्का होता है, तो मिट्टी का तेल मिला हुआ यदि अपन ने इसमें जो मिश्रण डाला है तो पानी नीचे है और तेल की परत ऊपर आ जाएगी। यहां देखेंगे अपन कि एक परत बन जाएगी, ये मान लो अपन ने मिट्टी का तेल मिला हुआ लिया था, तो उसकी परत यहां बन जाए, यहां स्टोव कॉर्क लगा है, या अपनी भाषा में बोल दूं कि यहां वाल लगा है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब परत बन जाती है तो मैं इसको नीचे से खोलूंगा, खोलूंगा तो नीचे जो पानी है, पानी भारी था, हैवी था, इसलिए नीचे रहेगा, तेल हल्का था इसलिए तेल की परत ऊपर बन जाएगी, तेल ऊपर रहेगा, तेल ऊपर है, पानी नीचे, यहां पर ये जल है। हम यहां से वाल को खोलेंगे, स्टोव कोर को खोलेंगे तो पानी है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे एकत्रित कर सकते हैं एक पात्र में, पानी यहां आ चुका है,
जब ये तेल की परत यहां से निकलना स्टार्ट हो जाए, यहां तक पहुंच जाए, तो अपन इसको बंद कर देंगे, तो तेल इसके अंदर रह गया और जल बाहर निकल गया। ये पृथक्कारी कीप है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दो अघुलनशील द्रवों का जो मिश्रण होता है उसे पृथक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छे तरह इनको पढ़ें और ये सब अपनी फेयर नोटबुक में बनाएं और इन्हें तैयार करें, इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।